Migration. Migration is the movement of individuals or groups from one place to another, which involves permanent or semi-permanent change of usual residence. So migration is the most volatile of the basic demographic variables, quickly reflecting changing social, economic, and political circumstances. Both at the national and international level, internal and international migration are essentially geared by the same forces and the majority of migrants in the world today. So migration jo hai, thoda mukhtalif concept hai from mobility, kyunki mobility ke concept ke andar people try to change their status from one status to another. But in the case of migration, ek mushkil faisla, kyunki jab koi individual ya koi group ya koi family ye faisla karti hai ki usse ek jagah se दूसरी जगह माइग्रेट करना है ड्यू टू सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. अब वो सर्कमस्टांसेस इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनयूजुअल इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग फैसला कर लें कि दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेकिन वो प्लेस जो है वो मुल्क के अंदर भी कोई हो सकती है, यानी एक शहर से किसी दूसरी जगह पर, किसी एक इलाके से किसी दूसरे इलाके में. लेकिन बाज़ औक़ात माइग्रेशन जो है वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेशन. अब किसी वक्त हमने दुनिया में ये भी देखा कि लोगों के अपने मुल्कों के अंदर हालात ऐसे हो गए कि उन्हें उन हालात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर माइग्रेट करके जाना पड़ा दूसरे मुल्क के अंदर, और उस बेसरोसामानी के हालत में जहाँ अपने हंसते बसते घरों को छोड़कर जब माइग्रेट करना पड़ा तो वो बहुत तकलीफ़ दे अमल था, जिसकी वजह से जाहिर है दुनिया के अंदर बहुत सारे सवालात उठते हैं माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. जो डिबेट्स हैं, जो इम्प्लिकेशंस हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिकॉज मोस्ट पीपल मूव फॉर इकोनॉमिक रीजंस, बट दिस इज़ क्वाइट व्हेन पीपल डिसाइड बाय देमसेल्व्स to migrate from one place or their own country to other one. But some migrate to escape political or religious persecutions or simply to fulfill a personal dream. Migration mein baz auqat koi shakhs apni kisi zaati khwahish ke peshe nazar bhi ek jagah se dusri jagah migrate karke ja sakta hai, lekin baz auqat aisa bhi hota hai ki koi political या कोई रिलीजियस सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से लोग बाउंड हो जाते हैं कि उन्हें एक जगह छोड़नी पड़ती है उन हालात की वजह से. सो सम पीपल डिवाइड द रीजंस फॉर माइग्रेशन इनटू पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. अब जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इनको डिवाइड कर देते हैं पुश एंड पुल फैक्टर के अंदर, कि बाज़ औक़ात हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को माइग्रेट करने पर, बाज़ औक़ात खुद लोग बाउंड होते हैं अपनी ख्वाहिशात के तनाजुर में कि वो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर सेटल होने को प्रेफरेंस देते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पुल एंड पुश फैक्टर, पुश फैक्टर्स इंक्लूड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फार्मलैंड, फेमिन और वॉर एट होम. हमने पहले भी अभी जिक्र किया कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं अगर किसी इलाके के अंदर जंग छिड़ जाती है, उस जंग की वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है. बाज़ औक़ात ज़मीनी ज़राए इतने कम होते हैं कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोग ये फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और सेटल होने की एफ़र्ट जो है वो करनी चाहिए. आमतौर पर दो तरह की माइग्रेशन पर एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कंसेंसस है कि माइग्रेशन को दो हिस्सों में या दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है. वन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन, एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ अ माइग्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोज फ्रॉम द पुअरर लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू द रिचर मोर डेवलप्ड कंट्रीज. इंटरनेशनली आमतौर पर जो माइग्रेशन पर बात होती है, जो डिबेट होती है, वो ये है कि जो ज़्यादा गरीब मुमालिक होते हैं वहाँ से लोग माइग्रेट करके जाना चाहते हैं अपने से बेहतर सूरत हाल वाले मुमालिक के अंदर. फिर ऐसे ही
जो ज़्यादा लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने से बेहतर हालात वाले मुल्कों के अंदर माइग्रेट करके चले जाएं। आमतौर पर ये कॉमन फैक्टर है। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग सेटल्ड होते हैं एक जगह पर, लेकिन किसी अनहोनी सूरत हाल की वजह से उनके इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है और उस सूरत हाल से निकलने के लिए वो अपनी जगह को बदलना चाहते हैं, अपने मुल्क को बदलना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बाज़ औक़ात जो सोशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो इतने प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि उस वजह से भी लोगों को माइग्रेट जो है वो करना पड़ता है। अच्छा, एक इंटरनल माइग्रेशन भी एक किस्म है, यानी जहाँ इंटरनेशनल माइग्रेशन है वहाँ इंटरनल, कि विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट लोग जो हैं बाज़ औक़ात हालात की वजह से अपने एक इलाके को छोड़कर किसी और दूसरे इलाके की तरफ उन्हें जाना पड़ता है। ये जो ये माइग्रेशन है आमतौर पर ये इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि अगर किसी एक इलाके के अंदर ज़्यादा मौके मैसर नहीं है तो ज़्यादा मौके की तलाश के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। बाज़ औक़ात इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह प्रेफर करते हैं जाकर सेटल होने पे। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी खास इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो डिक्लाइन कर जाती है और उस डिक्लाइन की वजह से लोगों को मजबूरी में भी अपनी जगह, अपना इलाका जो है वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा कि ड्यू टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी लोगों को अमने आमा की वजह से, लोगों को टेररिज्म की वजह से भी अपने इलाकों से माइग्रेट करके जाना पड़ा, अपने इलाकों को छोड़कर अपने मुल्क के अंदर ही किसी दूसरे इलाके के अंदर जाकर सेटल होना पड़ा। ऐसे भी हमने इंटरनल माइग्रेशन के साथ लिंक्ड जो इंसिडेंट्स हैं वो हमने देखे हैं।